नमस्कार दोस्तों, पार्ट 49 है ये स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज का। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म, फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ वुमेन। देखिए, रिफॉर्म पीरियड की बात चल रही है यहाँ पे, ओके। और रिफॉर्म पीरियड को मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपकी इससे हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले इस किताब को अपने पास खरीद के रख ले, वीडियो पे लाइक का बटन, साथ साथ वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। और अगर आप मेरे द्वारा बनाई गई एमसीक्यू सीरीज देखना चाहते हैं, बाकी वीडियोस को देखना चाहते हैं, स्पेक्ट्रम पे जो मैं एमसीक्यूज बनाता हूँ उसको देखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। अभी जब डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म की बात हो रही है दोस्तों, तो देखिए सोशल इक्वालिटी की बात धीरे धीरे, देखिए जो ह्यूमनिस्टिक आइडियल्स होते हैं, वो आइडियल्स जो हमको एथिकली सोचने में मजबूर करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई इस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो बराबर हैं, हर इंडिविजुअल बराबर है। तो अगर इस सोसाइटी में ऐसा कोई भी सिस्टम है जिसमें एक इंडिविजुअल एक सोशली बड़े पायदान पे है और दूसरा इंडिविजुअल सोशली नीचे पायदान पे, तो वो सही नहीं है। यहां मैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सोशल इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो आज की डेट में भी है और बहुत ज्यादा है, पर अब बात हो रही है सोशल इक्वालिटी की। आज की डेट में हर इंसान के पास बराबर राइट्स हैं। अगर आपको वोट डालना है तो वोट की लाइन में लग के डालना पड़ेगा। एक आदमी का वोट एक ही वैल्यू रखेगा, चाहे वो अम्बानी हो, चाहे मैं हूं, चाहे एक रिक्शा चलाने वाला हो। लेकिन जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और ये समय चल रहा था 19वीं शताब्दी का, उस समय पर ऐसा नहीं था। तो एक नई एजुकेटेड मिडिल क्लास उभर के आई। इस नई एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए सोशल इक्वालिटी को लाना एक बहुत बड़ी जरूरत थी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये लोग सोशल रिफॉर्म चाहते थे सोसाइटी में। और रीजन क्या था, देखिए जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, पढ़ी लिखी थी, इसने यूरोपियन लिटरेचर को पढ़ा था, इसने रिफॉर्मर्स को पढ़ा था, सोक्रेटिस, प्लाटो, मार्क्सिस्ट की फिलॉसफी, ये सब जो फिलॉसफीज थी ये सब इन लोगों ने पढ़ी थी। जब इन लोगों ने इन फिलॉसफी को पढ़ा तो इनको समझ में आया कि भैया हमारा देश तो गदरी पिछड़ा हुआ है, कहीं पे हम स्टैंड ही नहीं करते दुनिया में। और कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने ये पाया कि जो सोशल रिफॉर्म है वो रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब उस समय के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, इनको पता था कि रिलीजन से डायरेक्ट पंगा लेना सही नहीं है, बट अगर आप किसी भी तरीके से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को आगे लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं तो वो रिलीजन से जुड़ेगा ही। देखिए जितने भी सोशल इल्स थे सोसाइटी में, मैं दो सबसे बड़े सोशल इल्स की बात करूं तो एक तो था अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी, जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार थे, बड़े पंडित हुआ करते थे, वो क्या बोलते थे, अनटचेबिलिटी, भाई हम तो बहुत बड़े हैं, इन छोटे लोगों को हम नहीं छुएंगे। तो ये भैया अपने आप को बहुत बड़ा बताते थे, इन्होंने अनटचेबिलिटी फैला दी सोसाइटी में। उसके बाद एक तो अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी। अभी देखिए अनटचेबिलिटी जो प्रॉब्लम थी, ये जो प्राइमरीली प्रॉब्लम थी, ये हिंदू धर्म की थी। हाँ, हिंदू धर्म से ये प्रॉब्लम बाकी कुछ धर्मों में भी चली गई, बाकी धर्मों में उतनी ज्यादा नहीं गई, हिंदू धर्म में तो बिल्कुल नाश पीट दिया इन लोगों ने अनटचेबिलिटी के नाम पे। एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिल्कुल ही डिसेबल कर दिया इन धर्म के ठेकेदारों ने। वहीं पे अगर आप जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी की बात करोगे, लेडीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करोगे, तो वो हर धर्म में था। चाहे आप सिख धर्म की बात कर लो, चाहे आप क्रिश्चियन धर्म की बात कर लो, चाहे आप, अभी क्रिश्चियन धर्म तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि क्रिश्चियन धर्म तो बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स करा रहा था, चाहे आप हिंदू धर्म की बात कर लो, मुस्लिम धर्म की बात कर लो, चाहे आप बुद्ध धर्म की बात कर लो, अगर बुद्ध बनना है, अगर बुद्ध की शरण में जाना है या बुद्ध जीवियों की शरण में जाना है, आपका बुद्ध जीवी तो चले इंटेलेक्चुअल्स हो गए, मैं बुद्धिज्म की बात हो रहा हूँ, बुद्धिज्म के जो मॉन्क्स थे ना, जगह जगह पे इनके मॉन्क्स घूमा करते थे, तो अगर बुद्धिज्म के रिलीजन को कोई अपनाना चाहे कोई औरत, तो उस औरत को या तो अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी, या अगर वो मैरिड नहीं है तो अपने घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वो वुमेन किसी की स्लेव है तो अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी कोई परमिशन देगा क्या घर की लेडीज को, वैसे ही उनके आगे इसमें इनइक्वालिटी है और उनको धर्म में जाने के लिए परमिशन लेने की जरूरत है। तो इवन बुद्धिज्म में भी लेडीज के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन था, जैनिज्म में भी बहुत हद तक लेडीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन था। तो लेडीज की बात की जाए, औरतों की बात की जाए, तो जेंडर बेस्ड इनइक्विटी बहुत ज्यादा सोसाइटी में, कहीं ना कहीं ये सब चीजें रिलीजन से निकलती थी। जेंडर बेस्ड इनइक्विटी, अनटचेबिलिटी दोनों रिलीजन से निकलेंगी। अगर सोशल रिफॉर्मर्स इन सोशल इविल्स को हटाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट उन्हें रिलीजन से टकराना पड़ेगा, और भैया रिलीजन से टकराना बहुत मुश्किल है। तो शुरुआत में जो रिफॉर्मर्स है ना, उन्होंने
अपनी अप्रोच को सेक्युलर रखने की तो कोशिश की, बट वो सेक्युलर रख नहीं पाए क्योंकि सोशल इवेंस सीधे सीधे धर्म से टकरा रहे थे। तो अगर कोई सोशल रिफॉर्मर जाके बोलता है कि भाई ये छुआछूत गलत है, अनटचेबिलिटी गलत है, तो अपर कास्ट हिंदू क्या बोलेगा, अरे तुम हमारा धर्म तोड़ रहे हो। कोई लेडीज से बोले कि नहीं आप बाहर निकल सकते हैं, आपको ये घूंघट करने की जरूरत नहीं है, पल्ला करने की जरूरत नहीं, अरे तुम हमारा धर्म तोड़ रहे हो, अरे हमारी लेडीज को गलत बातें सिखा रहे हो। तो मुस्लिम बोल दिया कि भैया आप ये पहनिए मत, ठीक है ना, अपना चेहरा कवर मत करिए, अरे तुम हमारा धर्म तोड़। तो इस तरीके की चीजें बहुत होती थी। अब आप देखिए जो सोशल रिफॉर्मर्स यहाँ पे उठेंगे ना, उनके अगेंस्ट बैकलैश भी तकड़ा होगा, कुछ लोगों को मारा जाएगा, कुछ लोगों को मारने की धमकी दी जाएगी, इस तरीके की चीजें होंगी। तो धीरे धीरे आने वाले समय में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है ना, वो कुछ इस तरीके के अपने सामने अपने आप को सामने लेके आएंगे कि वो अपने आप से अपने आप को रिलीजन से तोड़ने की कोशिश करेंगे और अपने आप को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स सीधे सीधे एंटी रिलीजन हुए ना, उनके खिलाफ बहुत वायलेंस हुआ है। तो उन्होंने कोशिश की है कि भैया वायलेंस से थोड़ा दूर रहो, एक बैलेंस तरीके से जो कुछ भी हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो करो। अब यहां पे बात आती है शुरुआती सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की। जब शुरुआती सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आए, उनका जो सोशल बेस था बहुत नैरो था। जो पढ़े लिखे लोग जो कभी लंदन गलती से घूम आए, या उन्होंने यूरोपियन लिटरेचर पढ़ लिया, या वो थोड़े इनक्विजिटिव हैं तो दूसरे पढ़े लिखे उनसे बात कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि अरे भाई दूर दराज के देशों में क्या हो रहा है, ये अंग्रेज कैसे होते हैं और हमारी सोसाइटी देखो कैसी दकियानूसी है। तो इन्होंने थोड़ा बहुत रिफॉर्म को प्रमोट किया, लेकिन ये जो रिफॉर्म का प्रमोशन था वो कभी नीचे के लेवल पे नहीं पहुंचा। तो जो अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने रिफॉर्म के बारे में बातचीत करनी शुरू की। कुछ हद तक उन्होंने अपने घर में रिफॉर्म को लाने की कोशिश की, अपने घर में जो घर में जो उनके अनटचेबल्स आते थे उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन बंद किया, अपने घर की लेडीज को पढ़ने लिखने की आजादी दी, कुछ हद तक उन्होंने चीजों को रिलैक्स किया जो अपर क्लास के या अपर मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे। हल्का फुल्का वो मॉडर्नाइज्ड व्यूज को अपनाना शुरू किया, और उस मॉडर्नाइज्ड व्यूज का जो इम्प्लीमेंटेशन था ना, वो उन्होंने केवल अपने लेवल तक रखा। अभी मेन प्रॉब्लम किसको है, सोसाइटी के निचले तबके को है, वो अनटचेबल्स जिनको धर्म के ठेकेदारों ने बोल दिया कि तुम साइड हटो, असली प्रॉब्लम तो उनको है ना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। उन तक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पहुंचने में देरी होगी। आप देखोगे शुरुआती सोशल रिफॉर्म मूवमेंट केवल अपर मिडिल क्लास अपर क्लास तक लिमिटेड थे, लेकिन धीरे 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 बहुत सारे फैक्टर्स, और ये बहुत से फैक्टर्स हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, उन्होंने प्रिंट करके लोगों को सिखाना शुरू किया कि देखिए बाइबल में ये लिखा हुआ है, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सब बातें सिखाने शुरू की। तो उनको लगा कि हाँ भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर इन क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ साथ जो इंडिया के रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस, मतलब जो इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस थी, उनमें छोटे छोटे पेपर छपाने शुरू किए, वीकली मैगजीन्स निकलती थी उनमें छपाना शुरू किया, और ये बताया कि कहीं भी धर्म में नहीं लिखा है कि छोटे लोगों को दबाओ। इस तरीके की आप कह सकते हो एक अवेयरनेस लोगों के अंदर लाने की कोशिश की, ताकि लोग कुछ समझें। अभी उस समय की सोसाइटी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, आज की डेट में जब हमें आजादी मिले हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, तब हम अपनी माइंड में पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाए, तो उस समय की सोसाइटी कैसी होगी ये तो आप सोच ही सकते हो। तो इसका भारी विरोध भी होगा। साथ साथ एक चीज अच्छी हुई कि जो नीचे के तबके के लोग थे, उनको समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो सही नहीं है, वो गलत है, उसे रोकने की जरूरत है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, जैसे कि सोशल कॉन्फ्रेंस था, फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इनके बारे में आगे बात करेंगे। क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत हद तक इन्वॉल्व हुए, क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत लेवल पे सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश की। भले ही क्रिश्चियन मिशनरीज देश में आके क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमें हमारी गलतियों के बारे में भी बता रहे थे, और क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो गलतियां बताई वो हमारे इनलाइटेंड इंडिविजुअल्स ने समझी और उनको दुनिया के सामने, लोगों के सामने लाने की कोशिश की। कौन थे ये इनलाइटेंड इंडिविजुअल्स? तो ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, केटी टिलांग, बीएम मलाबरी, डीके कारवे, श्री नारायण गुरु, ईवी रामस्वामी नायकर, बीआर अंबेडकर। ये मैंने कुछ नाम बताए, बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स थे जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, इन रिफॉर्मर्स ने क्या किया कि एक बड़े तबके के पास पहुंचना है तो उस बड़ा तबका जिस भाषा को बोलता है उस भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने अपने व्यूज को फैलाने के लिए। फिर उस समय के जो पॉपुलर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते थे, पॉपुलर मींस ऑफ
इंटरटेनमेंट होते थे, जैसे कि ड्रामास, कहीं पे नौटंकी हो रही तो नौटंकी के थ्रू लोगों को बताया जा रहा है, हालांकि कभी कभी नौटंकी हो रही होती थी, और कास्ट सिस्टम के खिलाफ अगर कुछ नौटंकी में हो जाया करता था तो बवाल मच जाया करता था, जूते चप्पल ईंटें, ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस होते थे उस समय पे, बहुत नॉर्मल था। फिर प्रेस में छाप के, शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में, पोयम के फॉर्म में, नॉवल के फॉर्म में, और इन नॉवल को लोग पढ़ सके आगे आने वाले समय में सिनेमा के फॉर्म में, हालांकि सिनेमा तो बहुत बाद में आई है, ये जो पहले की तरीके की सिनेमा होती थी ना, कि प्रॉपर नौटंकी हो रही है, उस तरीके की सिनेमा की बात हो रही है यहाँ पे। 1930s तक आते आते जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, यानी 1930s तक आते आते जिस तरीके से लोगों को बीच में आप नॉलेज बांट रहे हो, उस नॉलेज के बांटने के तरीके को भी काफी हद तक बदला गया। फिर आगे चलते हैं, फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ वुमेन। भाई देखिए, ये जो रिफॉर्मर्स थे ये बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, क्योंकि ये जो काम कर रहे थे वो काम आसान था नहीं। जिन लोगों की बादशाहत थी सोसाइटी के ऊपर, उनकी बादशाहत को ये तोड़ रहे थे। जो लेडीज थी, अभी एक आदमी जिसके बस के कुछ नहीं है, काम धंधा कुछ नहीं है, घर पे पड़ा हुआ है, उसकी बस की क्या है कि भैया घर की औरत को दबाओ। तो वुमेन को उस समय पे बहुत लो स्टेटस दिया जाता था, उनको इनफीरियर माना जाता था मेन के, उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी थी नहीं, उनके ऊपर बहुत सारी तरीके की चीजें लगा दी गई थी, जैसे पर्दा में रहेंगी वो, ये हिंदू मुस्लिम दोनों तरीके की वुमेन पे लगाया गया था। जल्दी उनकी शादी हो जाती थी, अगर शादी के बाद पति मर गया तो या तो सती में बैठा देंगे, खासकर जो अपर क्लास बंगालीज थे उसमें तो सती प्रैक्टिस कुछ ज्यादा ही प्रेवलेंट थी, और मान लीजिए गलती से वो सती से बच गई तो उसको दोबारा शादी नहीं करने देंगे, तो अगर उसको दोबारा शादी नहीं करने देंगे तो जिस घर में पति मरा है वो या तो वहां पड़ी रहेगी, या वो अपने घर चली जाएगी माँ बाप के यहाँ, और दोनों जगह पे उसे प्रताड़नाएं और गंदे संदे डायलॉग, सुबह से शाम तक काम करना, इस तरीके की प्रताड़ना मिलेगी। लेडीज के साथ उस समय पे ये बहुत कॉमन था, और वो तो यही सोच के खुश हो जाती थी कि चलो सती में मरी तो नहीं, कम से कम जिंदा तो हूं। फिर चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो मुस्लिम वुमेन हो, वो अपने मेल रिलेटिव्स पे डिपेंडेंट थी, अपने पति पे, अपने पिता पे, अपने भाई पे, इन पे डिपेंडेंट थी। चाहे वो पैसे के मामले में डिपेंडेंस हो, इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो, चाहे वो सोशल मामले में डिपेंडेंस हो, सोशल क्लास डिपेंडेंस हो, बहुत सारी तरीके की चीजें हुआ करती थी। जो भी थोड़ी बहुत इन वुमेन को आप कह सकते हो कि रिकॉग्निशन मिलता था, वो रिकॉग्निशन इस फॉर्म में मिलता था कि ये एक अच्छी माँ है, ये अच्छी बीवी है, ये एक अच्छी, आप कह सकते हो कि अपने घर वालों का अच्छा ध्यान रखती है। वहीं पे मेन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, एक हिंदू हस्बैंड कितनी बीवियां रखे, एक मुस्लिम हस्बैंड कितनी बीवियां रखे, कोई कंट्रोल नहीं है भाई, बीवियां पे बीवियां रख के चले जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। वहीं पे लेडीज को हर तरीके की रिस्ट्रिक्शंस थी, तो अब रिफॉर्मर्स को समझ में आने लगा था कि भैया कैसे ना कैसे करके इन लेडीज की हालत सही करनी पड़ेगी, इनके बहुत बुरे हालात हैं। इन सोशल रिफॉर्मर्स को समझ में आया कि अगर वुमेन के स्टेटस को बढ़ाया जाएगा तो ये वुमेन अपने घर को और अच्छा कर पाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वुमेन एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन देगी, और उसके बच्चे जब एजुकेटेड होंगे तो हमारा देश, हमारी जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस करेगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, उनको ये समझ में आने लगा था कि जो हमारे देश का एक मेजर तबका है, जो हमारे देश की 50% आबादी है, अगर हम इसको दबा देंगे तो हम हमेशा गिरे हुए रह जाएंगे, हम हमेशा दबे हुए रह जाएंगे, कभी ऊपर उठ नहीं पाएंगे। लेकिन अब ऑब्वियस बात है कि ये सोशल रिफॉर्मर्स बहुत लिमिटेड थे, और जो सोसाइटी थी, जो जो दकियानूसी ख्यालात वाला तबका था वो बहुत बड़ा था, तो इनकी जो लड़ाई थी वो बहुत बड़ी थी। फिर इन रिफॉर्मर्स ने चीजों को बदलने की कोशिश कैसे की, इन रिफॉर्मर्स ने इंडिविजुअलिज्म के सिद्धांत पे फोकस करना शुरू किया, इंडिविजुअलिज्म, इक्वलिटी के सिद्धांत पे। जो कुछ भी लिखते थे, जो कुछ भी जगह जगह जाके बताते थे, जो भी बातचीत करते थे, अब ऑब्वियस ही बात है यार, उस समय पे वुमेन को पर्दे में रखा जाता था, तो क्या आप सोच सकते हो कि एक लेडी जो किसी के घर की बहू है वो पर्दे में वो किसी से बात कर सकती है? आज के डेट में तो लड़कियां बाहर निकलती हैं भाई, सबके साथ इंटरेक्ट करती हैं, अच्छी बात है, देश प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उस समय पे घर के अंदर दबा दिया, पर्दे के अंदर रख दिया। तो एक लोअर क्लास के बंदे से जाके आप बात करके उसको समझा सकते हो कि हाँ भाई तुम्हारे खिलाफ गलत हो रहा है, आवाज उठाओ, एक लेडी से तो आप बात कर नहीं सकते। तो भाई ये बात करने के लिए जो तरीका निकाला गया वो निकाला गया प्रेस, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल, नाटक, नौटंकी, इस तरीके की चीजें, जिससे लोगों तक ये संदेश जाए
कि आप अपने इंडिविजुअलिज्म को जगाइए, आप अपनी इक्वलिटी की मांग करिए, आप चुपचाप मत बैठिए। अगर आप चुपचाप बैठेंगे तो आप चुपचाप ही बैठे रह जाएंगे। लेडीज को बताया गया, ये जो डिग्रेडिंग कस्टम्स आपके खिलाफ खोल रखे हैं ना, पर्दा के, चाइल्ड मैरिज के, ये सब गलत है। आपके लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज बना रहे हैं। ज्योतिबा फूले ने कितना कुछ किया लेडीज के लिए। ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ ने मिलके लोअर क्लास के लिए और लेडीज के लिए एक मूवमेंट चला दिया। उसके बारे में भी आगे अभी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक सबसे मेन चीज। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिन्होंने वुमेन की पोजीशन को सुधारने की कोशिश की। भैया सबसे पहला जो स्टेप था वो था एबोलिशन ऑफ सती। राजा राम मोहन रॉय जी सती के खिलाफ लड़ रहे थे। इनकी फैमिली में शायद इनकी सिस्टर को सती कमिट करना पड़ा था, या इनके बहुत क्लोज रिलेटिव था कोई, उसको सती कमिट करना पड़ेगा। तो राजा राम मोहन रॉय जी सती की प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने रिलीजन का अध्ययन किया और रिलीजन का अध्ययन करने के बाद क्रिश्चियन धर्म की अच्छी भावनाओं को उठाया, मुस्लिम धर्म की अच्छी भावनाओं को उठाया और उनके साथ हिंदू धर्म के दकियानूसी ख्यालात को हटा के हिंदू धर्म को इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की। बट ऑब्वियस ही बात है, क्या कोई रिफॉर्म सुनेगा? सब लोग बोलेंगे, इनकी खुद की मां बोलने लगी कि तुम क्रिश्चियन बन रहे हो। इनके ऊपर बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स हुए बट ये फिर भी लड़ते रहे और सती प्रथा के अगेंस्ट बहुत लड़े। राजा राम मोहन रॉय जी जहां पे अंतिम संस्कार होता है ना, वहां पे अंतिम संस्कार के बाद सती कमिट किया जाता था, तो वहां पे जा जाके लोगों को बात करते थे। जब कहीं सती की प्रथा हो रही होती थी वहां पे जाके लोगों को बताते थे कि ये मत करिए, ये मत जलाइए। लेडीज को बताते थे, उनके घर वालों को बताते थे कि मत जलाइए, ये गलत है, कहीं पे ये सब नहीं लिखा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए उस समय पे इस इंसान ने जो किया, राजा राम मोहन रॉय ने, उसको आज हम याद कर रहे हैं तो सच में कुछ बहुत बड़ा किया था, कुछ बहुत दूरदर्शी किया था। उस समय पे एक ऐसा इंसान जो लेडीज के लिए लड़ रहा था, ठीक है, एक ऐसे समाज में जो बिल्कुल ही दकियानूसी है, बहुत बड़ी बात थी। राजा राम मोहन रॉय को एक बार के बाद समझ में आया कि भैया ये तो दकियानूसी ख्यालात के लोग हैं, इनको मैं एक लिमिट के आगे रोक नहीं सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गवर्नमेंट की मदद लेनी चाहिए। भाई गवर्नमेंट के पास इन्होंने पेटिशंस डाले, गवर्नमेंट से बोला कि ये जो सती की प्रैक्टिस है इलीगल है, इसको बंद करिए। और फाइनली राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स की वजह से 1829 में आया रेगुलेशन 1729 AD, द बंगाल कोड, जिसने बंगाल प्रेसिडेंसी में शुरुआत में सती प्रथा को बैन कर दिया। हालांकि जो हमारे देश के जो कंजर्वेटिव फैक्शन थे उन्होंने फिर से सरकार से अपील की कि नहीं भैया इसको फिर से शुरू करिए। राजा राम मोहन रॉय अपने कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने लंदन में पिटीशन फाइल की कि नहीं भाई इसको बैन किया गया है, इस बैन को हटाइएगा मत, बैन रहने दीजिए। शुरुआत में तो ये जो सती प्रथा पे बैन लगाया गया था ये बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया गया, बाद में थोड़ा बहुत चेंज करके इसके फॉर्म को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इंप्लीमेंट कर दिया गया 1830 में। और ये किसकी मेहनत थी? ये मेहनत थी हमारे राजा राम मोहन रॉय जी की। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंटिव फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड का क्या मतलब हो गया कि भैया बच्ची पैदा हुई और बच्ची को पैदा होते ही कर दो मार। आज की डेट में भी ऐसा होता है, खासकर हरियाणा के आसपास के इलाके में बहुत होता है। अब देखिए उस समय पे फीमेल इन्फेंट्स को क्यों मारा जाता था। देखिए जो हाई कास्ट बंगाली होते थे ना और जो हाई कास्ट राजपूत होते थे, इनके यहां जो शादी होती थी ना उन शादियों में बहुत दहेज जाता था, बहुत पैसा जाता था। और इनकी सोसाइटी ऐसी थी जिसमें बच्चे के जन्म को, लड़के के जन्म को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था। तो इन बंगाली और राजपूत सोसाइटी में हुआ क्या कि भाई जैसे कोई बच्ची पैदा होती थी ना उसको कैसे देखा जाता था कि अरे भाई इसकी शादी में बहुत पैसा खत्म होगा, अरे ये तो राजवाज के भी लायक नहीं है, अरे ये तो लड़ भी नहीं सकती आर्मी में, इसका कोई काम नहीं है। बहुत जगह पे इन बच्चियों को मार दिया जाता था। अरे भैया जब तुमसे खर्चा नहीं उठाया जा रहा है तो काहे शादी में इतना खर्चा कर रहे हो, लेकिन कौन समझाए। बाद में भाई बंगाल रेगुलेशन पास किया गया 1794 का, ये भी सोशल रिफॉर्मर से कहने पे साइन किया। अंग्रेजों ने अपने मन से कुछ नहीं किया दोस्तों, हमारे देश के सोशल रिफॉर्मर्स लड़ रहे थे इसलिए ऐसा हो रहा था। तो भाई आया बंगाल रेगुलेशंस ऑफ 1794 और 1804, और इन रेगुलेशंस के दम पे ये बोला गया कि भैया देखिए फीमेल इन्फेंटिसाइड इलीगल है, आप किसी भी बच्ची को ऐसे मार नहीं सकते। 1870 में एक और एक्ट पास किया गया जिसमें बोला गया कि जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होगा उसको सरकार के पास रजिस्टर कराइए और कुछ सालों के बाद आके बताइए यहाँ भाई बच्चा कहाँ है, कैसा है,
अगर वो लड़की थी तो वो जिंदा है कि नहीं है, कहाँ है वो बच्ची। तो इस तरीके के कुछ नियम कानून लगाए गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना दोस्तों कि नियम कानून बनाना एक बात होती है और नियम कानून को इम्प्लीमेंट करना एक बात होती है। आज की डेट में जब इतनी डेमोक्रेसी है, इतनी सोशल मीडिया, इतना प्रेशर ग्रुप्स हैं, तब जो नियम कानून बनते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होता है, 10 तरीके की आवाजें उठती हैं, प्रॉब्लम्स उठती हैं। तो उस समय पे जब किसी भी तरीके के इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, क्या ही होता होगा, आप समझ ही सकते हो। फाइनली हम लोग बात करते हैं विडो रीमैरिज की। एक लड़की जिसका हस्बैंड मर गया, और मर ही जाएगा, कुछ छोटी छोटी बच्चों की शादी आप बुढ़ों से करा दोगे तो मर ही जाएंगे, वो जिंदा तो ही ना रहेंगे। अभी उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद है, हस्बैंड मर गया। चलो मान भी लो कि किसी बड़ी लेडी की शादी अपने इक्वल उम्र के आदमी के साथ हुई और वो आदमी मर गया किसी वजह से, तो विडो रीमैरिज। ब्रह्म समाज ने बोला कि भैया विडो रीमैरिज हमको करानी है और इसको पॉपुलराइज करने की कोशिश की, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल, आप देखोगे एक पर्सन विडो रीमैरिज की जब बात आती है तो एक पर्सन का नाम हमेशा लिया जाता है और वो है ईश्वर चंद विद्यासागर। एक्टिव थे 1820 से लेकर 91 के टाइम पे। ईश्वर चंद विद्यासागर ने ही लड़ लड़के क्या पास कराया था, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। किसकी वजह से शाइन हुआ, ईश्वर चंद विद्यासागर की वजह से। संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता के प्रिंसिपल थे ये, और ईश्वर चंद विद्यासागर ने वेदों का गहन अध्ययन किया, और वेदों के गहन अध्ययन से इन्होंने एक लॉजिकल रीजनिंग निकाली कि कहीं भी हमारे वेदों में ये नहीं लिखा है कि विडो रीमैरिज नहीं हो सकती है, हमारे वेदों में साफ साफ लिखा है कि विडो रीमैरिज हो सकती है। एक बात मैं और करूंगा, हमारे वेद दोस्तों ऐसी चीज है कि उन वेदों के आधार पर कुछ सेक्शंस ने हमारी सोसाइटी को बिल्कुल डिग्रेड कर दिया, दबा के रख दिया, तो भैया कास्ट सिस्टम वेद से निकाल दिया। और कुछ हमारे सोसाइटी में आपको ऐसे रिफॉर्मर्स मिल जाएंगे जिन्होंने इन्हीं वेद का बेस लेके हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की और रिफॉर्म किया भी, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वेदों के इंटरप्रिटेशन में है, ना वेदों से। चलो वो एक और बात है, इसको बाद में देखेंगे, अभी के लिए लेक्चर खत्म करता हूँ, अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। गुड बाय।